हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड। दिस इज अ लेक्चर सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी एडिक्टेड उमेश। दिस इज अ पार्ट फिफ्थ ऑफ अवर लेक्चर सीरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर रहता है, सेवंथ चैप्टर जो रहता है इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत में, उसमें ये जो है फिफ्थ हमारा जो है पार्ट, इसमें जो रहता है काफी बड़ा चैप्टर ये है। इस लेक्चर में हमारा डिस्कस करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज प्लस रिट टाइप्स एंड स्कोप्स। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है, काफी ध्यान से सुनिएगा। तो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो हमारे आर्टिकल 29 to 30 में जो है दिए गए हैं। तो देखिए आर्टिकल 29 जो रहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में जो है दिया गया है, जो भी अल्पसंख्यक है उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 29 में जो दी गई है। अगर आर्टिकल 29 की क्लाउज फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें बोला गया है कि कोई भी एनी सेक्शन जो रहता है हमारे सिटीजन का जो कि रिजाइड कर रहे हैं किसी भी टेरिटरी में, किसी भी भूभाग में, हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट में, हमारी कंट्री के जो है रह रहे हैं, उनकी जो है कोई भी डिस्टिंक्ट, कोई अलग सी उनकी भाषा है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, या कोई अलग सा उनका कल्चर है, तो उनके पास जो है राइट रहेगा, अधिकार रहेगा कि उसका जो है कंजर्वेशन जो है कर सकते हैं, उनको उसको जो है कंजर्व कर सकते हैं, अपने कल्चर का ये जो है कंजर्वेशन जो है कर सकते हैं। दूसरा जो आर्टिकल 29 की जो क्लाउज सेकंड रहती है, ये बोलती है कि नो सिटीजन यानी कि किसी भी नागरिक को जो है डिनाइड नहीं किया जा सकता, एडमिशन एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता किसी भी ऐसे शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में जो कि मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा, जिसको जो है एड वगैरह जो है प्राप्त होती है स्टेट की, स्टेट फंड से कोई भी अगर उसको जो है एड प्राप्त होती है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो है रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम के हिसाब से जो है उनको जो एडमिशन जो ऐसे इंस्टीट्यूशन में डिनाइन नहीं की जा सकती है। जो जो दोनों की दोनों क्लाउज है आर्टिकल 29 की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा है। फर्स्ट जो प्रोविजन रहता है हमारे आर्टिकल 29 का, ये राइट ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप के राइट के बारे में ये जो बात करता है, एनी सेक्शन, इसमें एनी सेक्शन की बात की हुई है तो इसमें राइट ऑफ ग्रुप की बात की जाती है। जबकि जो सेकंड जो प्रोविजन जो रहता है आर्टिकल 29 का, वो राइट ऑफ इंडिविजुअल की बात जो है करता है। आर्टिकल 29 जो है ग्रांट्स करता है प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जिनकी भाषा अलग है, तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज है चाहे धर्म के आधार पर आप अल्पसंख्यक हैं या जो हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उन दोनों को जो आर्टिकल 29 जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें जो है क्लियर वर्डिक्ट दी गई थी कि जो स्कोप जो रहता है, जो अधिकार क्षेत्र जो रहता है आर्टिकल 29 का, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ही नहीं आती है, बल्कि इसमें जो है आपके जो है सेक्शन ऑफ सिटीजंस भी आते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 29(2) जो रहता है उसमें जो है सिटीजंस की बात की गई है, यानी कि इसमें जो माइनॉरिटीज के साथ साथ जो है कॉमन जो हमारे जो सिटीजंस है वो भी जो इसमें आ जाते हैं, यानी कि जो आर्टिकल 29 है ये इंक्लूड्स करता है माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी यूपीएससी जो है पूछती है, तो आप ध्यान रखें आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटी दोनों को जो इंक्लूड करता है। एक बात जो आपने जरूर ध्यान रखनी हुई है, ध्यान रखनी है आपने, जो माइनॉरिटी जो वर्ड है ये यूज तो काफी जगह हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसकी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं दी गई है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इट डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी। नेक्स्ट है हमारा राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो हमारे अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है जिसमें ये जो है शैक्षणिक संस्थानों को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में जो दिया गया है। आर्टिकल 30 की जो फर्स्ट क्लाउज बोलती है, आर्टिकल 31 जो बोलता है, ये बोलता है कि जो भी माइनॉरिटीज है चाहे वो रिलीजन धर्म के आधार पर बेस्ड हो चाहे भाषा के आधार पर वो माइनॉरिटीज है, उनके पास जो है राइट रहेगा, अधिकार रहेगा कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। आर्टिकल 31(1)(a) जो है ये बोलता है कि इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, माइनॉरिटीज के द्वारा अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर इस्टेब्लिश किया गया है, अगर उसकी एक्विजिशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है करनी है, उसका अधिग्रहण करना है, कंपल्सरी एक्विजिशन है, स्टेट को जरूरत है उस लैंड की, उस प्रॉपर्टी की, जो कि रेफर्ड है हमारे क्लाउज फर्स्ट में, जो क्लाउज फर्स्ट में दिया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो उसके लिए जो है स्टेट को जो है इंश्योर करना पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा कि जो अमाउंट जो फिक्स किया गया है या डिटरमिन किया गया है कानून के द्वारा लैंड एक्विजिशन या प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए, वो जो है इनको जो प्रोवाइड करना पड़ेगा, और पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीके से इस राइट को जो है रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेड नहीं कर सकती है। ये जो है प्रोविजन ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जो है डाला गया है, जिसमें हमारी पार्लियामेंट जो है आर्टिकल जो जो कि आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में
44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1978 में, जिसके बाद जो है इसको जो है आर्टिकल 300A के तहत जो है कि लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया है, या इसको जो ह्यूमन राइट भी जो है बना दिया गया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दी थी कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ह्यूमन राइट। तो अगर आर्टिकल 31A जो रहता है, अगर इसका मतलब आप समझेंगे तो इसका मतलब यह है कि सिंपली कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो माइनरिटीज के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं और एडमिनिस्टर किए गए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन को जब जो पार्लियामेंट ने अगर इनकी अगर हमारी गवर्नमेंट इनकी जो है कंपल्सरी अगर एक्विजिशन करनी है, इनका अधिग्रहण करना है, तो इनको जो है वो अमाउंट पेड करना पड़ेगा, कंपेंसेशन देनी पड़ेगी, जो कि डिटरमिंड हुआ है अंडर द एक्विजिशन लॉज। और इसके ऊपर जो है पार्लियामेंट जो कोई भी रेस्ट्रिक्शन या एब्रोगेशन इसकी जो है नहीं कर सकती है। आर्टिकल 32 सिंपली यही बोलता है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो स्टेट है, वो जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं कर सकती है किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ, जब जो है उनको जो है ग्रांटिंग करनी है एड, किसी भी प्रकार की जो है सहायता राशि प्रोवाइड करनी है, एड प्रोवाइड करनी है, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ जो है नहीं किया जाना चाहिए, वेदर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चाहे रिलीजन के आधार पर बेस्ड है, चाहे लैंग्वेज के भाषा के आधार पर जो है बेस्ड है। और आप एक बात ध्यान रखें, जो आर्टिकल 30 के अंदर जो प्रोटेक्शन जो अवेलेबल, इट इज ओनली अवेलेबल टू माइनॉरिटीज, लेकिन आप ध्यान रखें आर्टिकल 29 हमने डिस्कस किया, उसमें माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी दोनों को प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन आर्टिकल 30 जो बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज बोलता है। और ये चीज हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि जो टर्म जो माइनॉरिटी है ये कहीं भी हमारे संविधान में डिफाइन नहीं की गई है। आर्टिकल 30 के तहत ही माइनॉरिटीज को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने बच्चों को जो है अपनी ओन लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जो है शिक्षा जो प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन जो प्रोवाइड कर सकते हैं। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये भी हमारे जो है तीन टाइप के होते हैं। पहले इंस्टीट्यूशन ऐसे होंगे जिनकी रिकॉग्निशन एज वेल एज एड जो है स्टेट के द्वारा जो की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। दूसरे हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि ओनली रिकॉग्निशन ही सीख करते हैं स्टेट के द्वारा, और किसी प्रकार की एड जो है उनको नहीं मिलती है, किसी प्रकार की सहायता राशि उनको नहीं मिलती है। और कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो कि नाइदर सीक रिकॉग्निशन नोर एड फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। रिकॉग्निशन होती है मान्यता, और एड का मतलब होता है किसी प्रकार की सहायता राशि, चाहे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है। तो इस तरह के हमारे जो तीन जो है टाइप के जो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं। जो फर्स्ट टू टाइप्स के होते हैं ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेगुलेटेड होते हैं, इनके जो भी सब्जेक्ट है, चाहे सिलेबस है, प्रिस्क्रिप्शन है, एकेडमिक स्टैंडर्ड है, डिसिप्लिन है, सैनिटेशन है, इनकी स्पाइक ग्रेन एम्प्लॉयमेंट और ऑफ टीचिंग स्टाफ एंड सो ऑन जो भी इनके रहती है, ये जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेगुलेशन की जो है की जाती है। लेकिन जो थर्ड टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं इसमें किसी प्रकार की जो है रेगुलेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा जो नहीं रहती है, और ये जो है फ्री रहते हैं एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अपने अफेयर्स को। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें इनको फिर भी जो जनरल लॉज जो रहते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉज है, लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉज है, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन है, सो ऑन एटसेट्रा जो रहते हैं, इनका पालन इनको जो करना होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो है एएमयू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो हुआ था, इसका केस का नाम है आपका अजीज बादशाह। तो अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस का आप नाम ध्यान रखें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी कि ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि माइनॉरिटीज के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं, तो इनको एडमिनिस्टर करने का अधिकार भी माइनॉरिटीज का नहीं है। माइनॉरिटीज सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकती है जो कि उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो उनके द्वारा इस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं उनको एडमिनिस्टर नहीं कर सकती है। और इसी अजीज बादशाह जजमेंट को फॉलो करते हुए बाद में डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होता है। पहले ये होता था कि एएमयू में 50% जो सीट्स हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 50% जो सीट्स हैं वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के द्वारा फिलअप की जाती थी, और 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स। लेकिन बाद में जो है डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है अजीज बादशाह केस की वर्डिक्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी इसको फॉलो करते हुए बोला कि एएमयू जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेगुलेट और इस्टेब्लिश की गई है, इसलिए यहाँ पर जो है ओपन जो है आपकी सारी की सारी जो 100% सीट्स रहेगी, किसी प्रकार की 50% रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स को नहीं दी जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है फेमस जो है केस रहता है एसटी स्टीफन कॉलेज वर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी कि जो एसटी स्टीफन कॉलेज है यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज की रिजर्वेशन जो है जायज है, क्योंकि एक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी थी कि स्टीफन कॉलेज वर्सेस